लोकसभा चोणां तों पहलां ईडी ने दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे खिलाफ वड्डी कार्रवाई कीती है। तुहानूं दस दईए कि ईडी दे वल्लों केजरीवाल दे घर दी पहलां तां तलाशी लई गई, उस तों करीब 2 घंटे बाद केजरीवाल नूं गिरफ़्तार कर लिया गया, जिस तों बाद पंजाब अते दिल्ली दे विच सियासत गरमाउंदी होई विखाई दित्ती। इस संबंधी वेख लैंदे हां इक खास रिपोर्ट। खुद नूं ईमानदार दस के ढंडोरा पिट वोटां लैण वाले दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अज आखिर ईडी दे हत्थ चढ़ चुके ने। वार वार ईडी ने केजरीवाल नूं नोटिस कढ़िया, पर केजरीवाल पता नहीं कि गल दे डरो ईडी सामने पेश ना होए, ते हुण ईडी ने कार्रवाई करदियां अरविंद केजरीवाल नूं चुक लिया है। केजरीवाल की गिरफ़्तारी तो बाद दिल्ली विच तां कुछ खास नहीं वापरिया, पर पंजाब दे विच आप आगूआं दे वल्लों हाई कमांड दे इशारे उत्ते थां थां रोस प्रदर्शन किए जा रहे ने। पहलां गल कर लैंदे हां दिल्ली की, जिथे आप आगूआं ने केंद्र सरकार का पिट स्यापा करदियां जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पुलिस ने कई आगूआं नूं हिरासत विच लै लिया है। उन्हां दा कहना है कि यह सब लोग सभा चोणां जितण लई गुंडागर्दी की जा रही है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे दुनिया के अंदर। अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति बदलने आया है और हम सब उसके साथ हैं। और जब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं, ना हम डरेंगे ना हम रुकेंगे। ब्लैकमेल करके भाजपा ज्वाइन हमें नहीं करवा सकता कोई। इस देश की राजनीति बदलने आए हैं, देश की राजनीति बदल के रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। दिल्ली तो बाद मोहाली दे विच भी आप आगूआं ने खूब पिट स्यापा किया। इस दौरान पुलिस ने चंडीगढ़ दे विच दाखल होने तो पार्टी दे आगूआं अते वर्करां नूं रोकण दी काफ़ी कोशिश की, पर वह ना मन्ने। तां फिर चंडीगढ़ पुलिस ने भी उन्हां उत्ते पाणी दीआं वाछड़ां कर दित्तीआं। इस दौरान पुलिस नूं लाठीचार्ज भी करना पिया। अरविंद केजरीवाल जी को गैर संवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से ईडी का डर दिखा के इनको बार बार हमारे नेता को अंदर डाला जाता है, हमें अंदर गुस्सा है। भगत सिंह जी भी आज होते तो उनके अंदर भी एक गुस्सा था। आंसू गैस के गोले पानी के बुछारे तरीका नहीं है। पुलिस को हम ऐसे चीजें करने वाले नहीं है। पुलिस को आगे किया जाता है, पुलिस के साथ को सुनवार नहीं है। पुलिस को आगे किया जाता है, ढाल बनाया जाता है। सर हमारी लड़ाई सिस्टम से है, इनसे नहीं है। सर ठीक है, हमारी लड़ाई सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, इस तो पहला केजरीवाल के कई नज़दीकी साथी भी भ्रिष्टाचार के मामलों के पुलिस के अड़िके चढ़ चुके ने, ते कई तो जेलों के बंद हैं। खैर अरविंद केजरीवाल उत्ते हुण की कार्रवाई होंदी है, यह तो आने वाला समा ही दसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी का विरोध करदिया कहा है कि जेकर कोई भी लीडर भाजपा के खिलाफ बोलता है तो उसके घर ईडी आती है, तो इंज ही गिरफ़्तार करके लै जाती है, जिमें केजरीवाल के नाम किया गया। उन्होंने कहा है कि जिथे भाजपा की सरकार नहीं है उत्थे गवर्नर के राही सरकार तंग किया जा रहा है, उन्होंने मैं भी तंग हाँ। तो दूजे पास इस संबंधी मनजिंदर सिंह सिरसा भी बोलते हुए विखाई देते। तो उसके घर पर ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है, और ये अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे, तो आज हालात वही हैं। गवर्नर जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंत्र पर आके गए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है। उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता उनका लिखा हुआ, विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं एलजी टांग अड़ाता बीच में। सच्चाई दी जित हुई,
दिल्ली का सब तो भ्रष्ट ते करप्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्ह ने शराब घोटाला करके करोड़ों रुपया बनाया, जिहड़े कहिंदे सीगे समन फर्जी ने, जिहड़े कहिंदे सी इलीगल ने, जिहड़े कहिंदे सी मेरे खिलाफ सबूत नहीं, अज वो दिल्ली की हाई कोर्ट च गए। हाई कोर्ट ने कहा यह समन फर्जी नहीं, यह समन लीगल ने, और तुसी क्यों हुण तक ईडी दे सामने नहीं पेश होए? यह माणयोग हाई कोर्ट ने अज अरविंद केजरीवाल जी नूं पुछिया उन्होंने वकील के माध्यम तो। जदों ईडी दे वकील ने दस्सिया कि असीं अरविंद केजरीवाल जी नूं गिरफ्तार कर सकते हाँ, हाई कोर्ट ने कहा सानूं एविडेंस लिया के दिखाओ। जदों उन्हां नूं सारा एविडेंस दिखाया गया, हाई कोर्ट ने इनकार करता डबल बेंच ने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी तो रोक लाने तो, मतलब मोहर ला दिती कि तुहाडे कोल एविडेंस हैगा तो जाओ तो गिरफ्तार करो। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होए ने। अज मैं समझदा हां कि करप्शन की बहुत वड्डी एक मार जिहड़ी सी मोदी जी बार बार कहिंदे सी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अज उस करप्ट बंदे नूं सलाखां दे पिछे भेजण दा काम कीता है अज सरकार ने। यह दिल्ली दे अंदर करप्शन दे उत्ते बहुत वड्डा अंकुश लगा है। दिल्ली दा सब तो भ्रष्ट करप्ट मुख्यमंत्री जिहड़ा 20-20 करोड़ रुपए दे बाथरूमां दे अंदर खर्च कर दिंदा सी, जिन्हें 100 करोड़ का शीश महल बनाया सी।